हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको CUT UG 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो प्यारे साथियों, अमूमन पिछली बार भी देखा गया था बहुत सारे साथी गलती कर रहे थे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है CUT की ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो करना है वो CUT की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट देखनी है, तो 9 फरवरी 2023 यानी कि आज से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं आपके, और 12 मार्च जो है वो लास्ट डेट है, अप टू 9 PM तक, 9 बजे तक आप भर सकते हैं फॉर्म, और डेट एक्सटेंड होगी तो उसका अपडेट मिल जाएगा चैनल पर। आप चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर फॉर्म फिल करने से पहले एप्लीकेशन गाइड आपको यहाँ पर मिलेगी, तो ये एप्लीकेशन गाइड जो है ना 2023 के लिए, इसको बहुत अच्छे से जो है क्या है आपको गो थ्रू होना होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं वो इम्पोर्टेंट ही दी गई हैं। देखिए, जैसे कि फीस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं डिटेल्स वीडियो इस पर लेकर आऊँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कितने स्टेप्स में फॉर्म फिल करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये स्टेप नंबर 1 जो है आपको देखना है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑनलाइन मोड ही आपको करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से ही फिल करना है, ये सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। फ़ोटो को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, तो सबसे पहले फ़ोटो पर ही नज़र डालिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक स्कैन फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर होने चाहिए आपके, जो JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए या ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, जिसपे 80% फेस जो है वो विदाउट मास्क के होना चाहिए, ठीक है। फिर सिग्नेचर जो है वो शायद यहाँ पर बताया हुआ है 4 से 30 KB के बीच में। फिर आपका अगर OBC वगैरह है तो ये आपका 50 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फीस और ये जो है आपकी यहाँ पर आपको आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। मैं डायरेक्टली नीचे आ रहा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको होगा आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और रीड कर लिया, ये कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है। फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है आपको। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर करता हुआ चलता हूँ, जैसे मैंने लिखा, फिर फादर नेम डाला, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नाम डालेंगे, फिर मैंने गार्डियन नेम डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाली, तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है आपको, फिर आपको आइडेंटिटी कार्ड देना है, आपके पास आधार कार्ड होगा, ठीक है। आप अदर वैलिड गवर्नमेंट विद फोटोग्राफ ऐसे डालकर कर सकते हैं, या स्कूल आईडी कार्ड वगैरह जो भी है आपके पास, तो यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। देन उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डालना होगा। फिर कंट्री सिलेक्ट करनी है आपको, फिर स्टेट सिलेक्ट करनी है आपको, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको डालनी है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको अपनी ही डालनी है, ताकि इन फ्यूचर में जो है आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। फिर ईमेल आईडी को क्या करना है, आपको कन्फर्म करना है, तो हमने ईमेल आईडी कंफर्म करी।
देन आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नंबर, इसके बाद परमानेंट आपका एड्रेस सेम है, सेम पर क्लिक करोगे। देन इसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ पर पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया, और पासवर्ड रिकवर के लिए एक आपको क्वेश्चन जो है वो बना लेना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भूल जाएं तो अपना पासवर्ड रिकवर कर पाए। फिर स्क्रीन पर आई कैप्चा को क्या करना है, आपको एंटर कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। तो मैंने जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करा, इस तरीके से ये डिटेल्स आएगी, आपको अच्छे से चेक कर लेना है। देन यहाँ पर जितनी भी कंडीशन आ रही है इन पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सभी पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद सबमिट सेंड एंड ओटीपी और ओके पर क्लिक करा। अब जो भी आपका मोबाइल है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड गया है। आपसे रिक्वेस्ट है इस नंबर पर कॉल ना करें, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओटीपी अपने नंबर से जो निकाल लेता हूँ और उसको एंटर कर देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन पर आई कैप्चा को मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये ऑलमोस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखिए। देन कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। अब जो है इसमें आपको बाकी डिटेल्स फिल कर देनी है, जैसे कैटेगरी कौन सी है आपकी, क्या आप पीडब्ल्यूडी तो नहीं है, फिर फादर की क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, ठीक है, मदर की आप फादर क्या करते हैं वो बताना है। तो आपको जो भी इसमें लिस्ट में है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल करो। मदर के बारे में बताना है आपको, ठीक है। फैमिली इनकम कितनी है वो आप फिल कर देंगे। ट्विन तो नहीं है आपको ये बता देना है। डोमिसाइल किस स्टेट का है, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास। डायबिटी पेशेंट तो नहीं है, प्लेस और रेजिडेंस कहाँ पर रहते हैं आप, शहर में रहते हैं गाँव में, वो सिलेक्ट करना है। तैयारी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो भाई जो भी आपका मीडियम है मोस्टली बच्चों का इंग्लिश रहता है तो वो इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एड्रेस आ गया। फिर यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से तो बिलोंग नहीं करते हैं आप, कश्मीरी माइग्रेट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पढ़कर यस नो में देंगे कि आपके पास स्पोर्ट कोटा वगैरह या एनसीसी तो नहीं है। देन उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स इस तरीके से सेव हो जाएंगी। अब अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो कोई भी डेट अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट स्टेटस दिखाना है, आप पास हो चुके हैं, पास किस ईयर में हुए थे तो वो यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। टेंथ का सबसे पहले, फिर टेंथ अर्बन से की है, कौन सा गवर्नमेंट स्कूल था, जैसा भी आपका था आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स जो है वो फिल करते हुए चलना है। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है, बोर्ड कौन सा था तो CBSE, ठीक है। तो आप जो भी आपका बोर्ड है वो है, स्कूल कॉलेज का नाम आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम डाल दिया। ये एड्रेस पिन कोड डालना है स्कूल का, फिर आपको रोल नंबर फिल करना है, देन आपको रिजल्ट मोड आपको बताना है, ग्रेड में था या परसेंटेज में। तो मैक्सिमम मार्क्स 500 में से कितने आए हैं वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। देन 2023 में आप सभी अपेयरिंग होंगे, तो जो पास हो चुके हैं वो पास पर क्लिक करेंगे जैसे पिछले साल हुए, और जो अपेयरिंग है वो अपेयरिंग पर। क्वालिफाइंग 12th, प्लेस कहाँ है, स्कूल कहाँ पर है आपका, शहर में गांव में, कैसा है, गवर्नमेंट है जो भी है वो आपको फिल करना है जैसा आपका है, ठीक है। देन इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन,
कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल पड़ता है, बोर्ड कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, फिर स्कूल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर कर डाल दोगे। ठीक है, फिर स्कूल का कोड डाला और अब आपको रोल नंबर आपका मिल चुका होगा, वो रोल नंबर यहाँ पर एंटर करोगे और सेव वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। अब जहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन पूरा रिव्यू करना है, देन प्रोसेस टू नेक्स्ट, कोई भी मिस्टेक है तो आप अभी अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको पेपर कहाँ देना है वो आप अपनी प्रेफरेंस डाल दें। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस डाल दी। ठीक है, अपडेट करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, अदरवाइज आपको ओके लग रहा है तो आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है आपको, तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ऐड, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि CUT 2023 जो है इनेबल कैंडिडेट टू अप्लाई वन एंड मोर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अप्लाइंग आपको अच्छे से जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करनी है जिसके लिए भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने ये ऐड कर लिया। रिमूव करना है तो नीचे देखिए यहाँ पर मेरा ये कर्सर है, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी चाहें वो क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे। तो मैं आशा करता हूँ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हो वो कोर्स जो है यहाँ पर ऐड ऑन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने देखिए एक से अधिक यूनिवर्सिटी के आपको यहाँ पर ऐड ऑन करके दिखा दिया। ठीक है, देन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा जो आप जिनमें पार्टिसिपेट होना चाहते थे क्या वो सही है, तो आप देख लीजिएगा ओके है तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट, इस पर हमने क्लिक करा। एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कन्फ्यूजन हो तो ये ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर पर जाकर चेक कर सकते हो। देन आपको अब जो है पेपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आप अपने सब्जेक्ट जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, इधर आपको मीडियम पूछा जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन आप सब्जेक्ट भरोगे तो यहाँ पर आई हेयर बाई डिकल है, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भरोगे, ध्यान से ये ध्यान रखना है। ठीक है, देन सेव बटन पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करोगे ये आपसे अपने सब्जेक्ट प्रीव्यू दिखाएगा, आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है कि मीडियम ऑफ टेस्ट कैसे रहेगा आपका। इधर आप मीडियम ऑफ टेस्ट देख सकते हो। देन आपको सारी चीज़ें ओके लग रही हैं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद आपको अपनी फोटो और साइन अपलोड करने हैं, तो इस तरीके से आपने अपनी फोटो कर दी, देन साइन करी अपलोड, जैसे फाइल सिलेक्ट करी, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करोगे तो आपके साइन भी हो जाएंगे। प्रोसीड टू प्रोवाइड सेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर पूरा प्रीव्यू जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें आपने होपफुली अच्छे से इस तरीके से चेक कर ली, कोई मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पर चेक लिस्ट आएगी। इन चेक लिस्ट पर क्या करना है आपको, इस तरीके से क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन चेक लिस्ट पर क्लिक कर दिया है। देन प्रोसीड टू पेमेंट पर जाकर क्या है, आप अपनी पेमेंट कर कर इस प्रिंटआउट का प्रिंट अच्छे से ले लीजिएगा और अपने पास ही रखिएगा। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट एवं सवाल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर कर आप जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं पेमेंट जो है यहाँ पर कर देता हूँ, तो आप भी अपनी पेमेंट जो है प्यारे साथियों वो कर दीजिएगा यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है तो। तो जीमेल आईडी पर जीमेल आईडी कंफर्म करनी है उससे पहले, तो मैं जीमेल आईडी कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये जीमेल आईडी मैंने कंफर्म कर दी, स्क्रीन पर आई कैप्चा को भी मैं क्या कर देता हूँ, डाल देता हूँ। आप अपना करेंगे, मैंने अपना यहाँ पर कर दिया है। तो ये जीमेल आईडी पर भी एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, उस कोड को यहाँ पर आप भी डाल दीजिएगा, मैंने ये डाल लिया और यहाँ पर क्या है वेरीफाई कर कर अब आप पेमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट एवं सुझाव है तो आप ऑफिशियल गाइडलाइंस के लिए
थ्रू ही पढ़ेंगे। ये एक डेमो वीडियो था, क्योंकि आप इसकी तरह पढ़ें तो हो सकता है आपके फॉर्म में गलती भी हो, तो इसलिए आपको अपनी डिटेल्स वगैरह जो फिल करनी है वो अपने अकॉर्डिंग करनी है, तो केयरफुल होकर आपको फिल करना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डेमो वीडियो है आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।